तो बड़ी बात साफ तौर पे अखिलेश मिश्रा ने कही कि बहुत अच्छी बात कही अखिलेश मिश्रा जी ने कि जनता के हाथ में सारी कमान है जनतंत्र की। बड़ी बात साफ तौर पे अखिलेश मिश्रा ने कही। इस बीच हमारे इससे पहले जो वक्ता श्री अखिलेश जी जो कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनकी बात से। और अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि सोना अगर कुंदन बन के वापस था रहे गांव में। इस बीच अखिलेश मिश्रा भी हमारे साथ है। अखिलेश मिश्रा, अमूमन तो हम चुनाव में बाहुबलियों का और इस तरीके का चेहरा देखते हैं, लेकिन अब पंचायत चुनाव में जो सबसे नीची, जिसे कह सकते हो चुनाव की सीढ़ी है, पायदान है, उस पर एक ग्लैमरस चेहरा होना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। भारतीय चुनाव में ग्लैमरस चेहरा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन लड़े थे, और साउथ में देखिए जयललिता वगैरह जो ग्लैमर की फील्ड या फिल्म के फील्ड में थे, और बहुत सारे मेल भी वहां पे, वो पूरे के पूरे मुख्यमंत्री रहे हैं, और नई पार्टियां उन्होंने बना करके रूल किया है, मतलब अनडिफीटेड टाइप से कि लगातार उनकी पार्टी जीतती रही। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज मैंने बोली, आप इसको ये मत बोलिए कि ये ग्लैमर का एक तड़का लगा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है छोटे लेवल पे। रिवर्स माइग्रेशन मैं इसको देखता हूँ कि पहले ये होता था कि टैलेंट का माइग्रेशन गांव से शहरों की तरफ, मुंबई की तरफ होता था। अब चाहे चुनाव हो चाहे जो भी हो, कम से कम ये है कि टैलेंट बॉम्बे से, दिल्ली से वापस गांव की तरफ आ रहे हैं। स्पेशली अगर पंचायत जैसे छोटे चुनाव में अगर ये चीज हुई है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गांव और शहर के बीच का जो गैप था वो कम हो रहा है, और लोगों का रुझान वापस गाँव की तरफ बढ़ रहा है। और भारत, भारत जो कि गाँव में बसता है, असली अगर भारत का निर्माण होगा तो इस रिवर्स माइग्रेशन का होना बहुत जरूरी है। और शायद ये शुरुआत हो गई है कि लोग अब बॉम्बे से, दिल्ली से गांव की तरफ जा रहे हैं, आज राजनीति में जा रहे हैं, कल वो बिजनेस में जाएंगे। और इसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि महानगर और छोटे गांव में जो फैसिलिटीज होती थी वो लगभग बराबर होती चली जा रही है। हर जगह लाइट, टीवी, शॉपिंग मॉल, मार्केट वगैरह सब जगह हो रहे हैं। तो लोगों को अब ये समझ में आने लगा है कि गाँव में भी अवसरों की कमी नहीं है। बेहतर ये है कि महानगरों की तरफ भागने से बेहतर यह है कि अगर अपनी अलग पहचान बनानी है तो आप गांव की तरफ जाइए। छोटे शहरों और गांव से आपकी जितनी बड़ी पहचान बनती है उतनी महानगरों में नहीं बन पाएगी, शायद अब वो दिन लग गए हैं। लेकिन लेकिन अखिलेश, पहचान तो मिल जाएगी, लेकिन गांव की पहचान कैसे बनाई जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जो हमारे गाँव पहचान खोते चले जा रहे हैं, लोगों का कहना है कि भाई महानगर के रहने वाली जमीनी, जिसे कह सकते हैं, हकीकत को कहाँ समझती हैं, कैसे पहचान दिला पाएंगी, क्योंकि वाकिफ ही नहीं है, इससे पहले तो कभी जौनपुर आना हुआ ही नहीं, अजीत जिस तरह से बता रहे हैं। देखिए, इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। अगर क्लास 2, 3, 4, 5 तक बचपन आपने गांव में गुजारा है, तो लगभग गांव की जितनी भी चीजें होती हैं वो आपके रोम रोम में बसी रहती है, क्योंकि बचपन का जो मन मस्तिष्क होता है वो बड़ा कोमल होता है। फर्स्ट इंप्रेशन जो बनता है वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बोली कि जब आदमी शहर में जाता है, बड़े शहरों में जाता है, तो कुछ स्पेशल स्किल भी डेवलप होता है। अगर आपके पास वो स्किल सेट है तो चैलेंजेस तो गांव में भी सेम है आपको, रोड, पानी, डेवलपमेंट, इन सब चीजों का। तो ये टैलेंट पूल का भी, ये आप ऐसे समझिए कि हमारा सोना अगर कुंदन बन के वापस आ रहा है, या दूसरे शब्दों में ऐसे देखिए कि कोई आदमी यहाँ से लंदन गया, खूब डेवलप किया और खूब पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद वो यहाँ आकर के भारत में आकर के काम करता है या सेवा करता है, तो ठीक यही फेनोमेना आप ये देखिए यहाँ पे लग रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज मैं नहीं मानता हूँ कि महानगर में अगर आप रह लिए हैं तो आप गांव को जो है अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं या डेवलप नहीं कर सकते हैं। बल्कि आपके दिल में अगर वाकई में एक सच्ची श्रद्धा हो गांव के लिए, छोटे शहरों के लिए, तो आप और बेहतर काम कर सकते हैं। इनके केस में मैं और बेहतरी देखूंगा, बेहतरी इसलिए देखूंगा कि शायद उनका पैतृक गाँव ये है। ये दूसरे जो है एक्टर या एक्ट्रेसेस की तरह नहीं है जो कि कभी जौनपुर, जिनको जाना ही नहीं था, उनको टिकट मिल गया, गए और जीतने के बाद वो दिल्ली में बैठे रहेंगे या बॉम्बे में बैठे रहेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनका गांव खुद वही है, अगर वो वापस लौट के आते हैं तो डेफिनेटली वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं। और अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि सोना अगर कुंदन बन के वापस था रहे गांव में, क्या कहेंगे अखिलेश मिश्रा जी? शिक्षित लोगों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जैसा कि बड़े बड़े चेहरे भी जो वार्ड लेवल के जो चुनाव हैं, जो सबसे निचले चुनाव है उनमें शिरकत कर रहे हैं, उसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश जो है साफ तौर पे करेंगे, आपको क्या लगता है कि
शिक्षित लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में आने की ज़रूरत है, तभी गांव की जो तस्वीर है वो बदलेगी, गांवों को जो पहचान है वो मिलेगी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी ये डिबेट शुरू होने के पहले आप बुलेटिन चला रहे थे कि माफिया धनंजय सिंह के यहाँ छापा पड़ा है, लेकिन वो मिला नहीं है। क्या अगर शिक्षित लोग, योग्य लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो वहाँ एक वैक्यूम रहेगा, टैलेंट का अभाव रहेगा। अगर टैलेंट का वैक्यूम समाज ने दे दिया, हम लोगों ने दे दिया, तो उस वैक्यूम का फायदा ये माफिया लोग ही उठाते हैं, गलत चरित्र के लोग ही उठाते हैं, गुंडे लोग चुनाव लड़ते हैं। और कोई भी पार्टी अपने आप को माफिया मुक्त नहीं कर पाई है, तो माफिया मुक्त अगर राजनीति को करना है, गुंडों को जो है हटाना है, संसद तक नहीं पहुंचने देना है, तो ये हम पढ़े लिखे लोगों की, समाज की जिम्मेदारी है कि हम लोग पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल एक्टिविटी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से उसमें हम पार्टिसिपेट करें। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने आपको बोला है, मैं इसको ग्लैमर नहीं देखता हूँ। अदरवाइज सारे टीवी चैनल वाले चिल्लाते रहे कि भाई फलाने माफिया मंत्री बन गया, ये बन गया। एक माफिया जब मंत्री बनता है, जब पॉलिटिक्स में विधायक बनता है, तो वो सरकार को भी, सरकारी तंत्र को भी माफिया सिस्टम के हिसाब से चलाता है। वो हमेशा प्रायोरिटी ये रखता है कि सरकारी सिस्टम जो जनता की सेवा के लिए है वो पीछे हो जाए, और उसका माफिया तंत्र वहां पे ओवरलैप करता है, ओवर लीड करना शुरू कर देता है। तो राष्ट्र में बदलाव कैसे आएगा? राष्ट्र में बदलाव तो पॉलिसी से आएगा। अगर सारे पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख वगैरह पढ़े लिखे लोग आते हैं तो वैक्यूम ही नहीं रहेगा। जब वैक्यूम नहीं रहेगा तो फिर माफियाओं के लिए कोई जो है स्पेस नहीं रहेगा। जब उनके लिए कोई स्पेस नहीं रहेगा तो राजनीति जो है अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। तो राजनीति को स्वच्छ करने का काम भी समाज का ही है, और ऐसे ही कैंडिडेट करेंगे। तो बड़ी बात साफ तौर पर अखिलेश मिश्रा ने कही कि भाई अब समाज में और जो खासकर चुनाव में है, शिक्षित लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, ताकि के जो तस्वीर है वो गांव की बदले। अखिलेश मिश्रा भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश मिश्रा। चंद प्रकाश जो जुड़े हुए थे वो कहते हैं गाइडलाइन होनी चाहिए, चाहे चुनाव कोई भी हो, लेकिन एक मजबूत गाइडलाइन होनी चाहिए। चाहे क्या वो चेहरा, उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, या वो बाहुबली तो नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ों के लिए, इसके बारे में आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि अगर हमें अच्छा समाज चाहिए तो हमें एक अच्छा प्रत्याशी भी चाहिए, और जब अच्छा प्रत्याशी चाहिए तो उसके लिए अच्छी एक गाइडलाइन क्यों नहीं होनी चाहिए? कुछ गाइडलाइन है, प्रिमिटिव लेवल पे है, लेकिन जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन है पब्लिक की, या देश को जिस हिसाब से बनाना है, उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए शायद राजनीति में कैंडिडेचर को लेके वैसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है जिस तरीके से जॉब में होती है। इसकी भी शुरुआत शायद हो चुकी है। आपने अभी देखा होगा कुछ ऐसी खबरें थी कि आसाम में शायद ये कहा गया था, ऐसी गाइडलाइन आई, एक नया कानून ऐड हुआ कि दो से ज्यादा जिनके पास बच्चे होंगे वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आई डोंट नो ये कितना फैक्ट है या क्या है, इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लगता है कि पहला कदम ही बाहर निकालना, पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ी चीज है। अभी तक अगर नहीं हुई है तो उसके लिए अब हम सर नहीं पीट सकते हैं, भविष्य का हमें देखना चाहिए। सरकारें, और सरकारों से ज्यादा मैं बोलता हूँ जनता, अगर जनता प्रबुद्ध हो जाए, जनता ही केवल अच्छे लोगों को चुने। मैं बोलता हूँ खड़े होने के लिए कोई भी खड़ा हो, लोकल जनता को सब पता रहता है, लोकल वोटर को सब पता रहता है कि उनका प्रत्याशी कौन है, कैसा है, सच्चाई क्या है। शायद सरकार को और पुलिस महकमे को भी उतना नहीं पता होता होगा, क्योंकि वो एफिडेविट में जो देते हैं उसी बेस पे उनको इन्फॉर्मेशन रहती है। तो पहला कर्तव्य यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं जनता का होता है, अगर जनता प्रबुद्ध हो जाए, जैसे ये एक प्रबुद्ध जनता का उदाहरण है कि कोई आदमी बॉम्बे से आके अपने गाँव में चुनाव लड़ रहा है। ऐसे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे ग्राम प्रधान के चुनाव में बहुत सक्सेसफुल कैंडिडेट रहे हैं, अच्छा काम किया है। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जनता की प्रथम जिम्मेदारी होती है, खड़े होने को कोई भी चुनाव में खड़ा हो, कोई भी कैंडिडेट हो, जनता सब जानती है, तो जनता ही उन लोगों को बैन कर दे। कोई अगर कोशिश भी करे तो उस कोशिश को, उस गलत कोशिश को जनता निष्फल कर सकती है। रही बात सरकारों की जो जिम्मेदारियां हैं, भारतीय पॉलिटिक्स का नेचर ऐसा है कि यहाँ लेट लतीफी बहुत है, बहुत सारे और लिमिटेशंस हैं, स्वार्थ होते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम एक ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन टॉप टू बॉटम, मतलब बॉटम टू टॉप अगर देखा जाए तो वो होनी चाहिए, ग्राम प्रधान से लेके प्रधानमंत्री के पद तक के लिए होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये होगा। बहुत अच्छी बात कही अखिलेश मिश्रा जी ने कि जनता के हाथ में सारी कमान है जनतंत्र की। अखिलेश मिश्रा है हमारे साथ। अखिलेश मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहले के पंचायत चुनाव में और इस बार के पंचायत चुनाव में आप किस तरह का फर्क महसूस कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा फर्क है? देखिए पहले जो पंचायत चुनाव होते हैं, हम लोगों ने देखा, जैसे हमारे
में जब हम छोटे थे तो ग्राम प्रधान हमारे दादा हुआ करते थे, उस पंचायत चुनाव का मैं गवाह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से चीजें याद है। एक सबसे बड़ा जो इम्प्लीमेंटेशन या जो चेंज आया है वो ये आया है कि पहले के जो चुनाव पंचायत होते थे बहुत सारी सूचना और संचार की तकनीकें नहीं होती थी तो बड़ा वो लिमिटेड होता था उसका एरिया, वहाँ सोच जो होती थी लोगों की वो बड़ी लिमिटेड होती थी और वो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रेस्टीज इशू की बात ज़्यादा होती थी। आज आप ये देखिए कि पंचायत चुनाव ऐसे हो रहे हैं कि वहाँ पे क्या है कि इंफॉर्मेशन, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन गांव तक के लोगों को पहुँच रही है, तो गांव के जो प्रत्याशी हैं उसके साथ साथ जो गाँव के मतदाता हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी रहती है। वो ये सोचते हैं कि भाई अगर वहाँ ये चीज़ हो सकती है तो हमारे गांव में हमारा प्रत्याशी या हमारा प्रधान क्यों नहीं कर पाता है। पहली चीज़ तो ये है कि जो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है, ठीक है वो लोकल चुनाव है लेकिन आप उसको कभी ग्लोबल इम्पैक्ट उस पर है जो आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये आई हैं कि पहले जो वोटर होते थे वो बहुत सारे पर्सनल रीजन के कारण इन्फ्लुएंस्ड होते थे, वहां पे विकास की बातें और बहुत सारी ऐसी मॉडर्न चीजें हैं जो मुद्दे नहीं होते थे। आज भी कई जगह पे मैं जुड़ा हुआ हूं तो मुझे पता चलता है कि उनका एजेंडा नहीं है कुछ वहां पे। तो अब क्या है कि लोग ज्यादा सिस्टमेटिक हैं, ज्यादा मैनेजमेंट के तरीके से अपनी जो है एडवोकेसी कर रहे हैं। प्रत्याशियों को देखिए तो वो पॉइंट वाइज अपना मैनिफेस्टो टाइप का वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारे आने पे हम क्या क्या तब्दीलियां लाएंगे। अगर कोई प्रत्याशी ऐसा बोलता है तो इसका मतलब है कि उसने कहीं ना कहीं कम से कम बेसिक अध्ययन तो इस चीज का किया है कि गाँव में चुनौतियां क्या है और दूसरे क्षेत्रों की तुलना में हमारा गाँव पिछड़ा हुआ है कि वो आगे है कि वो डेवलप है कि अंडर डेवलप है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने गांव के डायनामिक्स की, गांव के नेचर की, गांव के जरूरत की और मतदाताओं, गांव के जो मतदाता हैं उनकी जरूरतों की जो समझ प्रत्याशियों में हुई है, डेवलप हुई है, ये है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है कि पहले जो गांव के प्रत्याशी होते थे इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते थे, आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज मतदाता अपने आप को कहीं ज्यादा स्वतंत्र रख रहा है, डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी हर मतदाता अपने हाथ में रखता है, वो जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उसके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। तो मतदाता भी आजकल किसी के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये बड़ा जरूरी है कि मतदाता भयभीत ना हो, किसी से पैसे के लोभ में ना आए, किसी लालच में ना आए, वो अपना स्वतंत्र तरीके से जो है अपना वो निर्णय ले बिना किसी दबाव के। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो चुनाव में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनके डायनामिक्स में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जिसको कि मैं बहुत जबरदस्त तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बड़ी बात साफ तौर पे अखिलेश मिश्रा ने कही इस बीच हमारे। इससे पहले जो वक्ता श्री अखिलेश जी जो कह रहे थे मैं सहमत हूँ उनकी बात से कि अब जो सूचना तंत्र विकसित हुआ है, जो लोगों का स्टेट ऑफ माइंड है, जो स्टेट ऑफ नॉलेज है उनका, जो ज्ञान लोगों में बढ़ रहा है, उसकी वजह से प्रत्याशियों पर दबाव है और जो जीत कर आते हैं चुने हुए लोगों पर भी जनता का दबाव रहता है कि भाई आपने ये कहा था आपने क्यों नहीं किया। फिलहाल अखिलेश मिश्रा भी हमारे साथ। अखिलेश मिश्रा जी, जो बात अखिलेश सिंह जी ने कही उसी बात को मैं आगे पढ़ाता हूँ। उनका कहना है कि डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा हम प्रतिबंधों में जिसे कह सकते हैं बांधना ठीक नहीं रहेगा, इस बात से आप सहमत हैं? देखिए ये इसका कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ लीजिए। प्रतिबंध वहां लगाए जाते हैं, नियम और कानून वहां लगाए जाते हैं जहां सोसाइटी या समाज जो है सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है। आत्म संतुलन, आत्मनियंत्रण, आत्मचरित्र, ये सब शब्द हमारी सभ्यताओं में रहे हैं। आप याद करिए वैदिक काल को या राम और इन सब चीजों को, वहां पे कानून बनाने की वजह, तब तो भाई पुराने टाइम में तो कोई लिखित संविधान होता नहीं था, कोई पॉलिसिंग की इस तरीके से मॉडर्न व्यवस्था होती नहीं थी, तो वहां पे हमने माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट किया था पब्लिक के ऊपर, क्राउड के ऊपर, कि हमने उनके अंदर चरित्र डेवलप किया था। जितने कानून बनाने पे जितनी चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे उसको हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी कि आपको गाली गलौज नहीं करना है, असभ्य व्यवहार नहीं करना है, दूसरों के रुपए पैसे या समाज में अराजकता आपको जो है नहीं फैलाना है। तो एक दो 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 पक्ष इसके हैं। देखिए पूरी दुनिया में कानून और संविधान से हर देश भरा हुआ है। आप सोमालिया वगैरह देखिए या बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश देखिए, वहां पे भी संविधान है, कानून है, लेकिन अराजकता रुक नहीं रही है। तो यहाँ पे चरित्र निर्माण राष्ट्र का, राष्ट्र के व्यक्तियों का और बच्चों का होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ रेदर देन कि आप हर दिन कानून बनाते जाए। कानून की कमी है क्या, आप मुझे बताइए ना।
संविधान में देखिए हर अपराध को डिफाइन किया गया है, हर अपराध के लिए कानून है और कानून बनाने की भी लिमिटेशन होती है, कुछ ना कुछ लूप होल रही जाता है, अपराध करने के बाद भी अपराधी छूट जाता है। दोनों तरफ से हमें देखना चाहिए, कानून बने और एक्यूरेट कानून बने, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उससे बेहतर ये है कि निप इन द बट कि हम एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करें जहाँ पे सारे आदमी अपने आप ही सेल्फ डिसिप्लिन हो। अगर रेड लाइट देख के मैं अपने आप गाड़ी रोक देता हूँ या सारे लोग रोक देते हैं, वहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़े करने की क्या जरूरत है? ये जो पुलिसिंग की फैसिलिटी है, सुविधा है, ये तो सेकेंडरी सुविधा है। मैं तो बोलता हूँ कि एक डेवलप या जिस चरित्र का, जिस देश का राष्ट्रीय चरित्र बहुत अच्छा होता है, वहां तो पुलिस डिपार्टमेंट होना ही नहीं चाहिए, वहां क्राइम भी कंट्रोल होने चाहिए सोसाइटी के द्वारा कि क्राइम ना हो। और ये पहले होता था, हम अपने बच्चों को बोलते थे या अभी भी बोलते हैं कि भाई गलत मत करो, अगर किसी ने गलत किया तो घर में ही उस बच्चे को डांट पड़ती थी, या गाँव में पंचायत की जो व्यवस्था थी आप देखिए, गाँव में ही अगर कोई ऐसा विवाद होता था तो गाँव के लोग मिल करके ही उसको सुलझा लेते थे। अब नुकसान देखिए क्या है, नुकसान ये है कि अब गांव में पंचायतें नहीं रही, अब गांव की छोटी छोटी समस्याएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। एक किसान आदमी या एक गांव का रहने वाला आदमी, अगर ये मान लिया जाए कि उसकी इनकम कम है, तो उसकी तो जिंदगी भर की कमाई केवल कोर्ट कचहरी में चली जाती है और फैसले होते हैं 20 साल 25 साल के बाद। तो इन दोनों पहलुओं को, दोनों कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, कानून बनाना भी जरूरी है लेकिन हर चीज कानून के ऊपर डिपेंड नहीं, इतनी पुलिसिंग की फैसिलिटी भी नहीं है कि कानून को इंप्लीमेंट हर जगह करवाया जाए। आत्मचरित्र, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना और इमीडिएट लेवल पे, बेसिक लेवल पे अगर गांव में कोई घटना हुई है तो गांव में ही पंचायत की व्यवस्था करके 10 लोगों को बुला करके उसका फैसला हो जाना चाहिए। ठीक है।